नमस्कार दोस्तों, आज मैं गोपाल दास नीरज की कुछ और पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है आखिरी खत। कि कहते हैं, आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूँ, आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूँ, कौन जाने यह दिया सुबह तक जले न जले, बम बारूद के इस दौर में अब हमदम, बम बारूद के इस दौर में अब हमदम, ऐसी रंगीन हवा फिर कभी चले न चले, ऐसी रंगीन हवा फिर कभी चले न चले। और कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ है खुराक टैंक तोपों की, जिंदगी सिर्फ है खुराक टैंक तोपों की, और इंसान है एक कारतूस गोली का, सभ्यता घूमती लाशों की एक नुमाइश है, सभ्यता घूमती लाशों की एक नुमाइश है, और है खून नया रंग नई होली का, और है खून नया रंग नई होली का। कहते हैं, मुफलिसी भूख गरीबी से दबे देश का दुख, मुफलिसी भूख गरीबी से दबे देश का दुख, डर है कल मुझको कहीं खुद से बागी ना कर दे, डर है कल मुझको कहीं खुद से बागी ना कर दे, जुल्म की छाह में दम तोड़ती सांसों का लहू, स्वर में मेरे ना कहीं आग अंगारे भर दे, स्वर में मेरे ना कहीं आग और अंगारे भर दे। चूड़ियाँ टूटी हुई नंगी सड़क की शायद, चूड़ियाँ टूटी हुई नंगी सड़क की शायद, कल तेरे वास्ते कंगन ना मुझे लाने दे, झुलसे बागों के धुआं खाए पात कुसुम, झुलसे बागों के धुआं खाए हुए पात कुसुम, गोरे हाथों में ना मेहंदी का रंग आने दे, गोरे हाथों में ना मेहंदी का रंग आने दे। यह भी मुमकिन है कि कल उजड़े हुए गांव गली, यह भी मुमकिन है कि कल उजड़े हुए गांव गली, मुझको फुर्सत ही ना दे तेरे निकट आने की, तेरी मदहोश नजर की शराब पीने की, तेरी मदहोश नजर की शराब पीने की, और उलझी हुई अलकें तेरी सुलझाने की, और उलझी हुई अलकें तेरी सुलझाने की। फिर अगर सूने पड़े द्वार से सकते आंगन, फिर अगर सूने पड़े द्वार से सकते आंगन, क्या करूँगा जो फर्ज को ललकार उठे, जाना होगा ही अगर अपने सफ़र में थककर, जाना होगा ही अगर अपने सफ़र में थककर, मेरे हमराह मेरे गीत को पुकार उठे, मेरे हमराह मेरे गीत को पुकार उठे। इसलिए आज तुझे आखिरी खत और लिख दूँ, इसलिए आज तुझे आखिरी खत और लिख दूँ, आज हर जुल्म की तलवार से टकराऊँगा, गोरी गोरी सी तेरी संदली बाहों की कसम, गोरी गोरी सी तेरी संदली बाहों की कसम, लौट आया तो तुझे चांद नया लाऊँगा, लौट आया तो तुझे चांद नया लाऊँगा। दोस्तों, आपको इन सभी मुक्तकों में से सबसे अच्छा और पसंदीदा मुक्तक कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप कितना खुद को जोड़ पाए इन सभी मुक्तकों से ये भी बताएं। धन्यवाद आपका। ये रचना है नीरज की पाती, इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज, और प्रस्तुति दी है अभिषेक पटेल ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।